क्यों देख रहे हो? क्या इसे उखाड़ोगे? कुछ नहीं कर रहा, ये मेरा दरख्त है, बेशक मैं इसके साथ जो भी करूँ। आज मैंने ना इस दरख्त को कटाना है, ठीक है ना, काट कर ले जाऊंगा घर। नहीं भी नहीं, ये मेरा दरख्त है, मैं काटूंगा और मैं घर ले जाऊंगा, तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। देख तू जूते खाएगा क्या? ये मेरा दरख्त है, क्योंकि ये साथ वाली जमीन मेरी है तो आधा दरख्त मेरी जमीन की तरफ है, तुझे जूते मारूंगा मैं, दरख्त मेरा है, ठीक है ना। अबे ये मेरी जमीन है, आधा मेरी तरफ भी आता है तो काट के मैं ले जाऊंगा दरख्त। मेरा दरख्त है, तू पे हो जा साइड पे, मैं कह रहा हूँ तू साइड पे हो। ये साथ वाली जमीन मेरी नहीं, ये मेरी नहीं है, तो आधा आधा कर लेते हैं। आधा नहीं करूंगा, मैं काट के ले जाऊंगा। मैं तुझे दूंगा ही नहीं, मैं ले जाऊंगा काट के। मैंने कह रहा मेरा है, तुझे बोला ना मेरा दरख्त है, दबा हो जा यहाँ से। तूने मुझे क्यों मारा? मैंने मुझे मारा क्यों? मेरे पे हाथ क्यों उठाया? मैं अदालत में जाके केस करूंगा और केस मैं ही जीतूंगा, ये दरख्त मेरी तरफ है, ठीक है ना। तूने जूते अब खा लिए ना, अब जितने केस करने हैं कर ले, ये दरख्त मैं ही लूंगा। जल तू भी केस करा, मैं भी करता हूँ, देखते कौन जीतता है। मैं ही कराऊंगा, दरख्त मेरी तरफ आएगा, मेरी तरफ आएगा, ठीक है। फिर केस तू भी करा दे, मैं भी करा देता हूँ, मैं करा लूंगा, करा लूंगा, जाओ जाओ तुम भी। जना मुझे क्यों रोका है वकील साहब? बात ऐसी है कि पैसा जितना भी लग जाए, जो दरख्त है ना मेरे भाई को नहीं मिलना चाहिए, दरख्त तो हमारे हिस्से में आना चाहिए, और आज का केस तू मुझे जितवाएगा, पैसा बेशक जितना लग जाए, ठीक है भाई? आप परेशान ना हो, बेफिक्र हो जाए, आज का केस हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चले फिर। जी भाई बताएं क्यों रोका है मुझे? वकील साहब बात मेरी सुनो, पैसा जितना मर्जी लग जाए, जो दरख्त है ना वो मेरी साइड पे है और मुझे केस जितवाना है आपने, ठीक है? ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, आज का केस हम ही जीतेंगे। बादब बामुलाजा होशियार, जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ तो आज के केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब मेरी बात सुने, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, जिस दरख्त पे हमारी लड़ाई है वो दरख्त जमीन के दरमियान में है, तो उस दरख्त का हकदार मैं हूँ, क्योंकि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो वो दरख्त मुझे मिलना चाहिए, इसे नहीं। मैं चुप कर। जज साहब मैं क्या यहाँ कुल्फियाँ बेचने आया हूँ? दरख्त मेरा भी बनता है, उसका मैं भी भाई हूँ छोटा, बेशक वो बड़ा भाई है या छोटा भाई है, दरख्त में हिस्सा दोनों का बराबर बनता है, फिलहाल आप फैसला करें। वकीलो तुम क्या यहाँ छोले बेचने आए हो? दलील पेश करो। जज साहब मैं मौके पर गया था, जो दरख्त है इन दोनों भाइयों की दरमियान जमीन के दरमियान में है, जो ये बड़ा भाई पानी लगाता है वो सब दरख्त पी जाता है, इसलिए ये दरख्त बड़े भाई को मिलना चाहिए। जज साहब जो मैंने केस पे स्टडी की है उसका ये सबूत है। ऑब्जेक्शन। जज साहब मौके वारदात पर मैं भी गया था, वहाँ पर जो दरख्त है उसकी तमाम जड़ें छोटे भाई की ज़मीन की तरफ है, तो वो कैसे बड़े भाई की ज़मीन से पानी पी सकती है? तो लिहाजा जो दरख्त है वो छोटे भाई का है और इसे ही मिलना चाहिए। जैसे ये कुछ सबूत है। इस केस की सुनवाई 3 दिन बाद की जाएगी और अदालत बर्खास्त करता हूँ मैं। आज की बहस का फैसला ये खत्म हुआ और जो फाइनल फैसला है वो 2 दिन बाद होगा। जज साहब आपने फैसला तो कर लिया होगा, उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आया होगा। हाँ हाँ हम ही केस जीतेंगे, अब बैठ जाएं। ठीक है हम यहाँ को किन्नू नहीं बेचने आए। जज साहब मुझे उम्मीद है कि आपने फैसला मेरे हक में दिया होगा और दरख्त हमारा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको सबूत दिए थे मेरे वकील ने। चुप करो तुम,
जज साहब को लेला थोड़ी है, हक सच का फैसला करेंगे। ऑब्जेक्शन, ओवर रूल। अबे वकील, तुम जबान को लगाम दो, आपने मुझे लेला क्यों बोला है? जज इंसाफ का परिंदा होता है। इन दोनों वकीलों के सबूत देखते हुए आज का जो फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा। आज का जो हतमी फैसला ये है कि आप दोनों का जो साझा दरख्त है वो उखाड़ के हुकूमत के खजाने में जमा करा दिया जाएगा और आप दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दो वकील हैं ये भी बेवकूफ़ है, जो दो भाई हैं ये भी बेवकूफ़ है। आप लोग अदालत में केस ऐसे ले आते हो जैसे ये अदालत ही बकरा मंडी है। हद है आप लोगों की। अबे वकील, ये तूने क्या किया? जो तूने केस लड़ा दरख्तों में मिला ही नहीं, और मेरे 3 एकड़ भी बेच कर मैंने केस पर लगा दिए। मैं तो कंगाल हो गया, और मेरी जिद देख के मैं दरख्त के पीछे जिद लगा बैठा, दरख्त भी नहीं मिला। मैं तो चलो बेवकूफ़ था। आप भी बेवकूफ़ थे क्या? आप वकील हो या डंगर डॉक्टर हो? ये क्या तूने मेरे साथ किया? ये तूने मेरे साथ क्या किया? वकील, मेरे भाई की तरह मेरी भी जमीन तूने बिकवा दी और केस भी हम नहीं जीते। ये तूने क्या किया? वकील हो या दर्दी हो?